तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं, कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई और श्री कृष्ण के साथ पांडव जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा के साथ उस युद्ध के मैदान में तड़प रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आता है। जब आता है अश्वत्थामा तो कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, बताइए क्या करूं मैं। जब अश्वत्थामा ने कहा कि आपके लिए क्या करूं, तो दुर्योधन कहते हैं कि महाभारत में मेरी हार हुई, इसका दुख मुझे नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हम 100 थे, 100 में से एक भी ना बचे, और वो 5 थे, 5 से अभी भी 5 हैं। इस बात का दुख है कि उनमें से जो 5 थे, उनमें से एक ही कम हो जाता तो थोड़ा दुख कम हो जाता। वो 5 थे, अभी भी 5 हैं, और हम 100 थे, 100 में से एक भी ना बचे। अश्वत्थामा कहता है ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं और उन 5 पांडवों के सिरों को लेकर आता हूं। अश्वत्थामा जाता है और आज कन्हैया की कृपा से जिस स्थान पर पांडव शयन करते थे, उस स्थान पर आज पांडव के पुत्र शयन कर रहे हैं। और जो पांडव पुत्र थे बिल्कुल पांडवों की तरह ही थे। अश्वत्थामा आता है रात्रि के समय में, और जहां पर वो 5 बालक लेटे हुए थे वहीं जाता है और 5 बालकों के सिर को धड़ से अलग कर देता है। जब अश्वत्थामा 5 पांडवों के पुत्रों को सिरों को धड़ से अलग कर देता है और 5 सिरों को लेकर जाता है, जब देखा दुर्योधन ने पोटली खोली और देखा दुर्योधन ने चीख पड़े, हाय तूने ये क्या कर दिया। बड़े दुखी हो गए और दुर्योधन को ये श्राप था कि जिस समय सुख और दुख तुम्हारे पास दोनों साथ में आएंगे उस समय प्राणांत हो जाएगा, और जब सुख दुख दोनों साथ में आए तो आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। यहाँ द्रौपदी मैया सुबह जागती है, बालकों के लिए भोजन लगाती है, विचार करती है आज अभी तक नहीं जागे बच्चे, और जाती है उस कक्ष में। द्रौपदी मैया जब जाकर के देखा कक्ष में तो पाया कि पुत्रों के सिर ही नहीं है, 5 पुत्रों में से एक का भी सिर नहीं है, 5 पुत्र मृतक पड़े हुए हैं। जब देखा तो द्रौपदी मैया चीख पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी, हाय विधाता तूने ये क्या कर दिया, तूने मुझे माँ बनाकर भी माँ नहीं रहने दिया, माँ बना भी दिया अब माँ रहने भी नहीं दिया, मेरे 5 पुत्रों में से एक भी पुत्र नहीं बचा। आज द्रौपदी मैया चीख चीख कर रो रही है, बिलख बिलख कर रो रही है, और जब द्रौपदी मैया रो रही है पुत्रों के वियोग में, बड़ी दुखी होकर बिलख बिलख कर रो रही है, चीख रही है, हाय विधाता तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया। तो दुर्योधन यहाँ प्राणांत हो गया, यहाँ द्रौपदी मैया चीख चीख कर रो रही हैं। अर्जुन ने संकल्प ले लिया और द्रौपदी से कहते हैं अर्जुन
कि द्रौपदी तुम चिंता ना करो, जिस हत्यारे ने हमारे बालकों के प्राणों को ले लिया और मैं अभी जाता हूँ और उस हत्यारे को पकड़ कर लाता हूँ, तुम उस हत्यारे के रक्त से अपने केसों को धोना। इस प्रकार से अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं और सांत्वना देते हैं और भागे भागे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। यहाँ अश्वत्थामा सोचता है कि अगर ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है, तो अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। भागता है अश्वत्थामा और भागता हुआ जा रहा है। जब समझ गया कि अब और नहीं भाग सकते, तो उसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन जो अर्जुन है वो तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना जानते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और दौड़ कर जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। मत्तम प्रमत्तम मुनिमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम विरथम भीतम नारी पुंहन्ति धर्मविदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अर्जुन जाते हैं और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, रस्सी से बांधा। जिस प्रकार से जानवरों को बांधते हैं उससे भी बुरी हालत में अश्वत्थामा को बांधा और बांध कर ले जाते हैं द्रौपदी के पास। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो रहा नहीं गया, दौड़ कर गई और रस्सी को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नित राम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गो पसयमः। द्रौपदी जी कहती हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, गुरुदेव का उपकार भूल गए हैं। और द्रौपदी कहती हैं कि हमारे पुत्रों का प्राणों का हत्यारा तो है, लेकिन ये हमारे गुरु का पुत्र है, हमारे तो अभी पांचों पति हैं, मैं तो अपने पतियों के सहारे जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन जो गौतमी मैया हैं, मैया कृपी हैं, उनका तो इनके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। अगर आप इसके प्राणों को ले लेंगे तो मैया गौतमी किसके सहारे जीवन यापन करेंगी। पूछा कन्हैया से कि क्या करना चाहिए, तो जो शास्त्रों का कहना है कि ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए और आतताई कैसा भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। आज बड़े धर्म संकट में क्या करें, ब्राह्मण पुत्र भी है और आतताई भी है, इसके साथ क्या करना चाहिए। ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल लिया, आधे सिर के बालों को काट दिया और आधी मूछ को काट दिया, अपमानित करके भगा दिया। जब अश्वत्थामा को अपमानित किया तो उसी समय संकल्प ले लेता है कि अब मैं इस पांडव वंश में जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। उस समय विराट कन्या विराट की पुत्री
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का दीपक जल रहा था। तो अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की तरफ मोड़ दिया। जब उत्तरा देखती है कि एक जलता हुआ बाण मेरी तरफ चला आ रहा है तो चीख पड़ी और भागी भागी कन्हैया के शरण में पहुंची। पाही पाही माया महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे जगतपते, मेरी रक्षा करें। मेरे गर्भ में इस समय पांडव वंश का दीपक जल रहा है। अगर आपको प्राण लेना ही है तो हमारे ले लें, लेकिन जो हमारे गर्भ में पांडव वंश का दीपक जल रहा है उसकी रक्षा करें प्रभु। आज यहाँ पर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो उत्तरा है पांडवों की कुलवधू है, तो अपने ससुरों के पास क्यों नहीं गई उत्तरा अपनी रक्षा के लिए, जबकि उत्तरा के जो ससुर हैं ये तो वीरों के भी वीर हैं, सभी को सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं, सांत्वना देते हैं, रक्षा करते हैं। आज उन्हीं की कुलवधू उनका आश्रय छोड़कर कन्हैया के शरण में गई, क्योंकि पता है उसे जिस समय कौरवों की क्रूर सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी उस समय ये पांडव सिर झुकाकर बैठे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय इन्हीं कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की थी, क्योंकि समय पर सब बदल जाता है, समय का कोई ठिकाना नहीं होता। जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी उस समय ये पांडव कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उससे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उससे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा।
जिसे भगवान बचाएगा। पांचों पांडव थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उधर में ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, उधर में ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, उधर में ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए मैं अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। जब हार गए जुए में वो द्रुपद दुलारी क्या करती, वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, वो द्रुपद दुलारी क्या करती, वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती। कैसे हरण हुआ था माँ सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। की हर लाल बैठे आचे मीच के, पांचों पांडव सिर को झुका कर बैठे आचे मीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लज्ज कसाई है दैया इस लाज न आई है दैया, लज्ज कसाई है दैया दुशासन माना ना गुरुओं के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
मानते हैं इस बात को कि जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, मानते हैं? दोनों हाथों को खोलिए ऐसे लंबे लंबे, शर्मा नहीं ऐसे खोलने, कोई खींच नहीं रहा आपके हाथों को, ऐसे लंबे लंबे ऐसे उठाइए सभी लोग पीछे वाले भी, और कहना है प्रभु से क्या, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। नहीं दिया तो बुलाती है कन्हैया को, खड़ी शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के घाट में, खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के घाट में, खड़ी शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के घाट में, बोली द्रौपदी लाज हमारी भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे बंधन, बदनाम न हो रक्षा बंधन, बदनाम न हो रक्षा बंधन, जल्दी से आओ गज बंधन, बदनाम न हो रक्षा बंधन, पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आए मौके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा भगवान बचाएगा। किसी को रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के धोखे से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
जिसे भगवान बचाएगा, जिसे भगवान बचाएगा।